चैनपुर पुलिस ने थाना क्षेत्र के तिगावल दतरा ढूंढा के पास अफीम की खेती कर रहे दो लोगों को गिरफ्तार कर बुधवार को जेल भेज दिया है, जिसमें चैनपुर थाना क्षेत्र के तिगावल निवासी निकोदीन टोप्पो पिता सुकुंजल टोप्पो एवं चतरा जिला निवासी पिंकू तिर्की पिता प्रभु प्रकाश तिर्की के नाम शामिल है। बताते चले कि पिछले सोमवार को प्रशासन एवं पुलिस ने दतरा एवं तिगावल गांव के बीच लगभग एक एकड़ में लगे अफीम की खेती को मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में नष्ट किया था। वहीं खेती से संबंधित कुछ उपकरण भी जब्त किए थे, जिसके बाद से ही अभियुक्तों की तलाश जारी थी, जिसके बाद ग्रामीणों के द्वारा पता चला कि जमीन मालिक निकोदीन टोप्पो ने चतरा जिला निवासी पिंकू तिर्की एवं जुगेश्वर भुनिया को अपना खेती अफीम लगाने के लिए दिया था। इधर छापामारी दल में मुख्य रूप से पुलिस निरीक्षक बैजू राव, थाना प्रभारी आशुतोष कुमार सिंह, पुवनी राजेश कुमार सहित सैट 12 के रिजर्व गार्ड मौजूद थे। जो खेती हुई है वो अफीम की खेती हुई है और ये हमारे तिगावल गांव के दतरा ढाड़ में के बगल में हुआ है, जो लगभग एक एकड़ जमीन में फैली हुई है। आज उसे ही नष्ट किया जा रहा है पुलिस और प्रशासन के द्वारा। इसका पता तो नहीं चला है, क्योंकि गांव में बताया जा रहा है कि ये बाहर के आदमी द्वारा लगाया गया है, लेकिन ये यहाँ के ही जो खेत है वो निकोलस के ना कोई नाम है उसके खेत में लगाया गया है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।